नमस्कार देवी और सज्जनों, हेलो फ्रेंड्स। वास्तु अजीत चैनल पे मैं अजीत जाधव सिविल इंजीनियर आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको भूखंड पर पूरब का रास्ता और अग्नेय दिशा मध्य पश्चिम द्वार रसोई घर के बारे में बताऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने रिश्तेदार और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिए, इससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको अन्नपूर्णा स्तोत्रम का संस्कृत छठा स्तोत्र और उसका अर्थ बताऊंगा। चलो प्रभु का नाम लेके शुरू करते हैं। पूरब का रास्ता और आग्नेय दिशा मध्य पश्चिम द्वार का रसोई घर। ड्राइंग नंबर एक में दिखने वाला आपका भूखंड यानी प्लॉट आयताकार है। भूखंड को पूरब की ओर एक ही 10 मीटर चौड़ा रास्ता है। दक्षिण की तरफ जाने वाली गाड़ी पक्का डामरी रास्ता दर्शाती है। प्लॉट की लंबाई 22 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है। भूखंड पर मध्य पूर्व, मध्य पश्चिम, मध्य उत्तर और मध्य दक्षिण ये चार मुख्य दिशाएं लिखी गई है। भूखंड पर ईशान्य, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य ये चार मुख्य उपदिशाएं लिखी गई है। उपदिशा हमेशा तिरछी ही लिखनी चाहिए, क्योंकि वो 45 अंश में होती है। एक डिग्री के भी फर्क से उनका मूल स्थान बदलता है। जैसे कि 44 अंश पे उत्तर ईशान्य उपदिशा होती है, 45 डिग्री पे सिर्फ ईशान्य होती है और 46 डिग्री पे पूर्व ईशान्य उपदिशा बन जाती है। इसलिए डिग्री यानी अंश को समझना बहुत जरूरी है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश इन पंच तत्वों का वास्तु में सही स्थान मकान मालिक को समृद्धि और खुशी प्रदान करता है। इसलिए आर्किटेक्चरल के वास्तुकला के विज्ञान में दिशाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्लॉट को ईंट और आरसीसी का कंपाउंड बना के बंदिस्त किया गया है। बंदिस्त प्लॉट में ही वास्तु पुरुष का निवास होता है। भूखंड की चारों दिशा में काले रंग का परमानेंट कंपाउंड दिखाया गया है। उसे सिर्फ पूर्व ईशान्य दिशा में एक गेट रखा गया है जो 3 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा है। हम शासन नियम अनुसार चारों दिशाओं को खुली जगह छोड़ने वाले हैं। मुख्य रास्ते की तरफ यानी पूरब की दिशा में आपको 4.5 मीटर खुली जगह छोड़नी चाहिए। पश्चिम दिशा की ओर 3 मीटर खुली जगह छोड़नी चाहिए। उत्तर दिशा की ओर 3 मीटर खुली जगह छोड़नी चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर 2 मीटर खुली जगह काफी है। शासन के प्रशासन के नियम नगरपालिका महानगरपालिका के अनुसार बदलते रहते हैं। सिविल इंजीनियर की भाषा में उसे सेटबैक डाइमेंशंस कहते हैं। इन सभी नियमों का पालन करने पर ही मकान के नक्शे को मंजूरी मिलती है। इफ सेटबैक डाइमेंशंस आर करेक्ट, देन द बिल्डिंग प्लान सैंक्शन बाय टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारे देश में कार की लंबाई 4 मीटर तक होती है, इसलिए रास्ते की ओर कम से कम 4.5 मीटर जगह छोड़नी चाहिए, ताकि हमारा वाहन या कार कंपाउंड में मकान के सामने आराम से पार्क हो सके। अगर मकान में आग लग गई तो फायर फाइटिंग के लोग आकर आपको बुझाते हैं। उनका अग्नि प्रतिबंधित पानी से भरा हुआ टैंकर अंदर आता है और मकान में रहने वाले लोगों की जान माल की रक्षा करता है। इसलिए मकान या बंगलों की चारों दिशाओं को खुली जगह छोड़ना अनिवार्य माना जाता है। पीले कलर में दिखाई देने वाला आपका मकान बंगला 14.5 मीटर लंबा और चौड़ा बनेगा। इसे प्रपोज्ड बंगलो के नाम से दर्शाया गया है। अग्नि में सब हीन तत्व जल जाते हैं, सोना निखर जाता है, इसे ही अग्नि परीक्षा कहते हैं। पंच महाभूतों का अर्क
यानी सार अग्नि है। जो अग्नि के मूल तत्व को जानता है उसके सामने सुख, स्वास्थ्य, ज्ञान और सिद्धि हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। जैसे यज्ञ में अग्नि बिना पूर्णत्व सिद्धि नहीं मिलती, वैसे ही किसी भी दिशा के किचन के आग्नेय कोण में किचन कट्टे पर अग्नि की स्थापना किए बिना भवन को पूर्णत्व नहीं मिलता। अग्नि कृपा से उन्नति के द्वार खुलते हैं। बंगले के आग्नेय कोण में 3.65 मीटर लंबा और 4.60 मीटर चौड़ा किचन दिखाई देता है। कामगारों की बिल्डिंग लेबर की भाषा में इस किचन की लंबाई 12 फीट और चौड़ाई 15 फीट है। इस किचन का आय गणित किचन की लंबाई गुणा चौड़ाई विभाजन या बटा अष्ट दिशा, इसकी जो शेष बाकी आती है उसे 9 ग्रह से गुणना पड़ता है। जो भी शेष आता है उसे अष्ट दिशा से गुणने के बाद जो संख्या या नंबर आता है उसे कक्ष का आय कहा जाता है। 3.65 मीटर गुणा 4.60 मीटर बटा 8, इससे जो शेष बाकी आती है उसे 9 ग्रहों से गुणने के बाद इसका आय 7 आता है। 7 अंक यानी गजाय। ड्राइंग नंबर 4 में आग्नेय दिशा में स्थित किचन में पूर्व ईशान्य दिशा में 2 फीट चौड़ी और 4 फीट ऊंची एक खिड़की लगानी चाहिए। पूर्व आग्नेय में 6 फीट चौड़ी और 3 फीट ऊंची एक खिड़की लगानी चाहिए। मध्य दक्षिण दिशा में 3 फीट चौड़ी और 3 फीट ऊंची एक खिड़की लगानी चाहिए। इस प्रकार एक फीट कम ऊंची खिड़की किचन कट्टे के सामने लगाने से गैस चूल्हा, खाने के बर्तन घर के बाहर से दिखाई नहीं देते। इससे तिरछा वायुविजन यानी क्रॉस वेंटिलेशन होता है। सुबह की रोशनी और सेहतमंद धूप, भरपूर ताजी हवा फ्रेश एयर इन खिड़कियों से किचन में प्रवेश करनी चाहिए। इससे मन प्रसन्न होके बुद्धि का विकास होगा। सही जगह, सही वक्त, सही तरीके से विवेक बुद्धि का प्रयोग करने से यश, कीर्ति और गौरव प्राप्त होता है। भोजन बनाते वक्त पूर्व आग्नेय की खिड़की हमेशा खुली रखनी चाहिए, क्योंकि खाना बनाते समय होने वाला धुआं, तीखी मिर्च, तेज गंध वाले मसाले, कटा हुआ प्याज, बर्तन से बाहर गिरकर जला हुआ दूध, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी LPG की दुर्गंध खिड़की से बाहर निकल सके। शासन नियम अनुसार कक्ष के क्षेत्रफल का 1/6 ऊर्ध्वधर क्षेत्रफल वायु विजन के लिए होना चाहिए। किचन का क्षेत्रफल 16.80 चौरस मीटर है। खिड़की का क्षेत्रफल 3.25 स्क्वायर मीटर है। किचन में मध्य पश्चिम के शुभ और उच्च स्थान पर मुख्य द्वार होना चाहिए। इस सागवान लकड़ी से बने टिकवुड डोर को 2 मीटर ऊंचाई पर 1 मीटर चौड़ा वेंटिलेटर जरूर रखना चाहिए, ताकि किचन की गर्म हवा नेचुरली पश्चिम दिशा से बाहर जाए। इससे AC फैन में होने वाली बिजली की खपत कम होगी, पर्यावरण की रक्षा होगी। किचन का अंदर खुलने वाला दरवाजा 1 मीटर चौड़ा और 2.25 मीटर ऊंचा होना चाहिए। बर्तन मांजने वाली, कपड़े धोने वाली, काम वाली बाई के लिए किचन से बाहर आने जाने के लिए 2.5 फीट चौड़ा दरवाजा मध्य दक्षिण दिशा में होना चाहिए। घर में सबके सामने से होकर आने से उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। लेबर साइकोलॉजी का ध्यान रखने से घर का काम अच्छा और समय पर पूरा होता है। ड्राइंग नंबर 5 में हम शिक्षादि देवताओं का संरक्षण और अधिकार क्षेत्र निर्धारित करने वाले हैं। वास्तु पुरुष की इस औंधी लेटी हुई अवस्था में भूखंड की लंबाई और चौड़ाई को 9/9 भागों में बांटा जाता है, तो इस भूखंड के 81 भाग बनते हैं। वास्तु पुरुष की कल्पना भूखंड में एक ऐसे ओछे मुंह पड़े पुरुष के रूप में की जाती है जिसमें
उसका मुंह ईशान कोण में और पैर नैऋत्य के कोण की ओर होते हैं। उनकी भुजाएं और कंधे वायव्य कोण और आग्नेय कोण की ओर मुड़ी हुई रहती है। वास्तुशास्त्र में इसे ही 81 पद वाला वास्तु पुरुष मंडल कहा जाता है। ड्राइंग नंबर 6 में आग्नेय दिशा में मेन किचन दिखाई देता है। इस किचन में वास्तु पुरुष की दाई कोनी और घुटना व्याप्त है, यानी हम किचन में शिक्षादि देवताओं का संरक्षण और अधिकार क्षेत्र निर्धारित करने वाले हैं। आग्नेय दिशा के 7वें पद में भृषाय नमः, 8वें पद में आकाशाय नमः, 9वें पद में वायवे नमः देवता विराजमान है, 34वें पद में सावित्र्याय नमः, 10वें पद में पूषणे नमः, 48 पद में सविते नमः देवता अधिष्ठित है, 11वें पद में वितथाय नमः, 39 पद में विवस्वते नमः, 12वें पद में गृहदक्षताय नमः देवता का राज है। ड्राइंग नंबर 7 में रसोई घर में पूर्व आग्नेय और दक्षिण आग्नेय दीवार से चिपक कर किचन कट्टा उल्टे एल आकार में बनाना चाहिए। संभवतः काला ग्रेनाइट, व्हाइट मार्बल, ग्रीन मार्बल का किचन कट्टा बनाते हैं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो तो आपको कुमकुम या रेड ग्रेनाइट का किचन प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। मेन किचन कट्टा यानी वर्किंग टेबल 9 फीट लंबा, 2.5 फीट चौड़ा और 2.5 फीट ऊंचा होना चाहिए। स्टोर टेबल 5 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा और 2.5 फीट ऊंचा होना चाहिए। कट्टे का पानी फर्श पर न गिरे, इसलिए सामने की तरफ 3 इंच ऊंची ग्रेनाइट की पट्टी लगानी चाहिए। वो पट्टी 0.5 इंच कट्टे के ऊपर होनी चाहिए। उसे ग्राइंडर से अच्छी तरह हाफ राउंड पॉलिश करना चाहिए ताकि खाना बनाने वाले हाथ पत्थर की धार से कट न सके। किचन टेबल के नीचे गैस सिलेंडर, प्लेट, छोटे बर्तन आदि उपयोगी सामान रखने के लिए ड्रॉवर जरूर बनाइए। अग्नि यानी ऊर्जा, ऊर्जा यानी उत्पत्ति, उत्पत्ति यानी तरक्की। इससे आपकी प्रगति सक्सेस सांप सीढ़ी की खेल की सीढ़ी की तरह 13 अंक से 46 अंक तक जा सकती है। किचन ओटा यानी वर्किंग और स्टोर टेबल हमने लाल रंग में दर्शाया है। ड्राइंग नंबर 8 में रसोई घर में वर्किंग टेबल के ऊपर 2 मेन गैस चूल्हे रखने चाहिए ताकि 2 गृहलक्ष्मी यानी लेडीज पूर्व दिशा की ओर अपना मुंह करके पाक क्रिया कर सके, खाना बना सके। रसोई घर में कभी भूमि पर अग्नि प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। इससे अग्नि दूषित होने से धनधान्य हानि, अप्रतिष्ठा और बदनामी हो सकती है। अग्नि को वास्तु में उच्च स्थान प्रदान करने के लिए किचन के आग्नेय कोण में ऊंचाई पर यानी किचन कट्टे पर अग्नि की प्रतिष्ठापना करनी चाहिए। गैस चूल्हे के ऊपर एग्जॉस्ट फैन जरूर लगाना चाहिए। इससे उत्तम आरोग्य, सांपत्तिक स्थिति में सुधार आ सकता है। पारंपरिक और आधुनिक पाक क्रिया बनाने के तंत्रज्ञान का यथार्थ उपयोग करने से खाना उत्तम और सात्विक बनता है। स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन मिलने से आपके चेहरे पर संतुष्टि की चमक आ जाएगी। आपकी कार्यक्षमता, जोश पहले से ज्यादा बढ़ेगा। गैस चूल्हा हमने लाल रंग में दर्शाया है। स्टोर टेबल के ऊपर मिक्सर, ग्राइंडर, रोटी मेकर, फूड प्रोसेसर, ओवन आदि बिजली पर चलने वाले उपकरण रखने चाहिए। सब्जियां काटना, फल काटना, फल का जूस निकालना, रोटी के लिए आटा गूंदना आदि पाक क्रिया की पूर्व तैयारी यानी फर्स्ट प्रिपरेशन करनी चाहिए। आग्नेय कोण की देवी धान्य लक्ष्मी है, इसलिए यहाँ धन धान्य की प्रचुरता रहेगी। पूर्व दीवार की टाइल्स पे ओम अन्नपूर्णा देवतायै नमः ऐसा हल्दी और कुमकुम से लिखना चाहिए। कितने ही मेहमान अचानक आ जाए,
अन्नपूर्णा देवी की कृपा से भोजन की कमी नहीं होगी। ओम अन्नपते अन्नस्य नो देह नमीवस्य शुष्मिनः प्रप्रदातारं तारिष ऊर्जं नो देही द्विपदे चतुष्पदे, ऐसा यजुर्वेद के 11वें अध्याय के 83वें श्लोक में वर्णन है। अर्थात भिन्न भोजनों के स्वामी अमृत भोग हमें दीजिए, रोग क्लेश चिंता मिट जाए, ऐसा पुष्टि ओज अन्न दीजिए। स्टोर टेबल के ऊपर एक छोटा गैस चूल्हा रखना चाहिए ताकि एक गृहलक्ष्मी यानी लेडीज दक्षिण दिशा की ओर अपना मुंह करके पाक क्रिया कर सके, खाना बना सके। अतिथि यानी मेहमान जिसकी आने की तिथि यानी तारीख निश्चित न हो लेकिन वो अगली तिथि को प्रस्थान करे यानी एक ही दिन घर में रहे। संयुक्त और एकल परिवार में मेहमान बिन बुलाए आते हैं और पति पत्नी में दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं। उनकी वजह से घर की सुख चैन शांति भंग हो जाती है, खर्चा बढ़ता है, प्राइवेसी डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसे एक हफ्ते से ज्यादा वक्त तक घर में डेरा जमाए हुए मेहमानों को आप दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खाना पका के परोसे। इससे अनचाहा मेहमान अनवांटेड गेस्ट जल्दी ही अपने स्वगृह लौट सकता है। इस प्राचीन नुक्से को एक बार आजमा के तो देखिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव बताइए, एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। गैस चूल्हा हमने लाल रंग में दर्शाया है। ड्राइंग नंबर 9 में रसोई घर में वर्किंग टेबल के ऊपर ईशान्य दिशा में किचन सिंक बनाइए। सिंक के ऊपर पीने का पानी और बोर के पानी ऐसे दो नल होने चाहिए ताकि गृहलक्ष्मी यानी लेडीज खड़े रहकर ही पूर्व दिशा की ओर अपना मुंह करके छोटे बर्तन, चाय की प्याली, चम्मच, तरकारी, दाल चावल आदि चीजें धो सके और साफ सुथरे बर्तन का इस्तेमाल खाना बनाते वक्त कर सके, पीने का पानी भोजन बनाते समय इस्तेमाल कर सके। वर्किंग टेबल और दरवाजे के बीच में ईशान्य दिशा में तांबे का पानी बर्तन यानी कॉपर वाटर प्यूरिफायर रखना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार तांबा पेट, लीवर और किडनी को डिटॉक्स कर सकता है, हड्डियों के रोग प्रतिरोधक की क्षमता को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तांबे में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज दर्द से राहत दिलाती है। वैसे ही एंटीऑक्सीडेंट्स चेहरे की झुर्रियां, फाइन लाइंस खत्म करती है। इसलिए तांबे के बर्तन में 8 घंटे पानी रखकर पीना लाभकारक है। किचन सिंक और कॉपर वाटर प्यूरिफायर हमने नीले रंग में दर्शाया है। ड्राइंग नंबर 10 में रसोई घर में प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेटर पूर्व ईशान्य दिशा में रखना चाहिए। रेफ्रिजरेटर पश्चिम दिशा की ओर खुलने वाली होनी चाहिए। फ्रिज में दूध, पनीर, सब्जियां, अंडे आदि चीजें खाना पकाने की पूर्व तैयारी में यानी प्रिपरेशन में लगती है। इसलिए फ्रिज हमेशा वर्किंग टेबल के नजदीक यानी ईशान्य दिशा में होना चाहिए। प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेटर हमने लाल रंग में दर्शाया है। ड्राइंग नंबर 11 में रसोई घर में कड़ाप्पा रैक्स, शेल्फ, कैबिनेट, किचन फ्लोरिंग से 3 इंच ऊंचा रखना चाहिए। इससे किचन को पानी से धोते समय नीचे वाली अनाज की बोरियां, बड़े डिब्बे गीले नहीं होंगे। नैऋत्य कोण ऊंचा होने से उसे जड़त्व, हेवीनेस प्राप्त होने से समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। घी और तेल का डिब्बा, नमक, मसाले, प्रोटीन का बॉक्स, ड्राई फ्रूट, बिस्किट का पैकेट आदि दैनिक आवश्यकताओं का भंडार यहाँ रखना चाहिए। इस दिशा में खाने की कोई कमी नहीं होती, जितनी जरूरत हो उतनी वस्तुएं और खाद्य पदार्थ वितरित किए जाते हैं। अनावश्यक और फिजूल खर्च नहीं होता। किराना रैक व्यवस्था यानी ग्रोसरी स्टोर रैक हमने लाल रंग में दर्शाया है। ड्राइंग नंबर 12 में
रसोई घर में वायव्य दिशा में हाथ धोने की व्यवस्था हैंड वॉश बेसिन होना चाहिए। अधिकांश बीमारियां हाथों से बैक्टीरिया के रूप में हमारे शरीर में जाती है। ऐसे में इनसे बचने का एक खास तरीका है कि हम अपने हाथों में बैक्टीरिया पनपने ही न दें। बेहतर स्वास्थ्य के लिए हमें वैज्ञानिक तरीके से हाथ धोना जरूरी है। वॉश बेसिन के ऊपर हाथ पोंछने के लिए स्वच्छ नैपकिन जरूर रखें। हैंड वॉश बेसिन हमने लाल रंग में दर्शाया है। ड्राइंग नंबर 13 में रसोई घर में मध्य पश्चिम दिशा में आधुनिक बर्तन, चीनी मिट्टी के डिजाइन वाले बर्तन और कीमती सामान रखने के लिए क्रोकरी रैक बनाएं। मॉडर्न क्रोकरी रैक का दरवाजा पूर्व दिशा की ओर खुलने वाला होना चाहिए। क्रोकरी शोकेस हमने लाल रंग में दर्शाया है। ड्राइंग नंबर 14 में रसोई घर में मध्य उत्तर दिशा में खाने की मेज यानी डाइनिंग टेबल रखना चाहिए। 4 लोगों की डाइनिंग व्यवस्था दिखाई है। हमें डाइनिंग टेबल के मैनर्स को फॉलो करना चाहिए, जैसे कि खाते वक्त मुंह से आवाज न निकालना, गलत चम्मच का इस्तेमाल न करना, कुर्सी पर घुटने के बल यानी मांडी घालू न बैठना। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि शिष्टता बहुत पसंद की जाती है, जिसमें बुजुर्ग और महिलाओं के बाद बैठना भी शामिल है। खाने से पहले यह मराठी प्रार्थना पढ़कर भोजन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्री हरीचे, सहज हवन होते नाम घेता फुकाचे, जीवन करी जीवित्वा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण नोहे जाणिजे यज्ञ कर्म। डाइनिंग टेबल हमने लाल रंग में दर्शाया है। ड्राइंग नंबर 15 में किचन की पूर्ण फर्नीचर व्यवस्था क्लोजअप करके दिखाई है। वर्किंग एंड स्टोर किचन कट्टा विथ गैस स्टोव हमने लाल रंग में दर्शाया है। किचन सिंक और कॉपर वाटर प्यूरिफायर नीले रंग में दिखाया है। रेफ्रिजरेटर काले रंग में दिखाया है। किराना रैक व्यवस्था हरे रंग में दर्शाई है। हैंड वॉश बेसिन मचेंटा कलर में दर्शाया है। मॉडर्न क्रोकरी कबर्ड सुनहरे रंग में दर्शाया है। डाइनिंग टेबल हमने सियान कलर में दर्शाया है। ड्राइंग नंबर 16 में पूर्व रास्ता, आग्नेय दिशा, मध्य पश्चिम द्वार, मुख्य रसोई घर की पूर्ण फर्नीचर व्यवस्था पूर्ण भूखंड सहित दिखाई है। किचन की फर्नीचर व्यवस्था सहित क्षेत्रफल शिक्षादि देवताओं के अंदर आता है। वहाँ उनका कार्य क्षेत्र अधिकार क्षेत्र है। शिक्षादि, चरक्यादि, दशदिक्पाल, ब्रह्मसूत्र और सोमसूत्र देवता अपने अधिकार क्षेत्र में शक्तिशाली बलशाली होते हैं। इसलिए भारतीय वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर बंगला ऐसा बनाओ कि रसोई घर यानी किचन को वास्तु और भवन के बीच उसका सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो, उन्हें उनका निर्धारित क्षेत्रफल एरिया मिले। सभी फर्नीचर वस्तु सामान अपने साइज शेप और वेट में निर्धारित स्थान पर हो। यहाँ नाप यानी मेजरमेंट का बहुत ही बड़ा महत्व है। अब सुनिए अन्नपूर्णा स्तोत्रम का संस्कृत षष्ठम स्तोत्र। उर्वी सर्वजनेश्वरी भगवती मातान्नपूर्णेश्वरी, वेणी नील समान कुंतलहरी नित्यान्न दानेश्वरी, सर्वानंद करी सदा शुभ करी काशीपुराधीश्वरी, भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी मातान्नपूर्णेश्वरी। अर्थात हे अन्नपूर्णा माते, आप पृथ्वी रूप है, आप सभी को प्रिय है, आप पूर्णता का भोजन कराने वाली माता है, आपके केश कुंतल मन को आकर्षित करते हैं, आप सदैव अन्न प्रदान करते हो, सबको आनंद देते हो, सबका सदैव शुभ करते हो, आप काशी नगरी में रहती हो, इस प्रकार सब पर अनुग्रह करने वाली माता मुझे भिक्षा दो। इस विषय के टॉपिक के बारे में अगर आपके मन में कोई सवाल है, क्वेश्चंस या क्यूरीज है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए प्रभु की कृपा से खुश रहिए, सिद्धि समृद्धि और सफलता पाइए।